हम सुंदर दिखने के लिए या हमारे व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए हम तरह तरह के जतन करते हैं। हमारे फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं या फिर झाइयाँ हो जाती हैं या डेड स्किन रहती है, तो हम डॉक्टर्स के पास में जाते हैं और उनकी बताई हुई एडवाइस को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अपनी जीवन शैली में अपना के या अपन घर पे उपचार करके भी बिना किसी डॉक्टर्स की एडवाइस के भी हम सही कर सकते हैं। आज के सेशन में मैं कुछ इसी तरह के आपके लिए लेके आई हूँ, तो अपने घर पे उपलब्ध हो जाती है और उसका उपयोग करके हम अपने चेहरे की चमक बढ़ा सकते हैं। चेहरे की चमक ही नहीं, हम अंदरूनी चमक भी बढ़ा सकते हैं अगर उसका खान पान भी उपयोग करें तो। हम जिस उम्र में हैं, यानी कि हम आज 40 के हैं, तो हम 30 के दिखेंगे। और ये बिल्कुल सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है मेरा कि किसी चीज को अगर आप खाने में आजमाते हो और उसको लगाने में भी यूज में लेते हो, तो आपके चेहरे की चमक दुगुनी हो जाती है और आपके जो तरह तरह की बीमारियां होती हैं वो भी दूर हो जाती है। तो इसी तरह का आज का अपना सेशन है, वो है एलोवेरा से रिलेटेड, यानी कि एलोवेरा जिसको आयुर्वेद में घृत कुमारी भी बोला जाता है और वो बहुत चर्चा में भी है। बहुत सारे लोग होते हैं जैसे डायबिटीज है, उनके लिए रामबाण है, वो एलोवेरा को खाने में काम में लेते हैं और नॉर्मल भी अपन खाने में काम में लेते हैं, तो उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करने से पहले, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और किसी प्रकार की आपकी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। यानी कि एलोवेरा, एलोवेरा क्या है? एलोवेरा एक ऐसा खाद्य पदार्थ है, यानी कि एक ऐसी जड़ी बूटी है जो जिसको संजीवनी भी कहा जाता है, यानी कि वो कई बीमारियों का इलाज है, कई तरह की बीमारियों का। चेहरे की चमक तो बाद में आती है, पहले जैसे हमारे वजन बढ़ रहा है, डायबिटीज है, तो उसका जूस पीने से हमारे बहुत सारे चीजें होती हैं, अंदरूनी चीजें होती है, सिस्टम होता है वो कंट्रोल में आता है, कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करता है और डायबिटीज होता है उसको लेवल में लेके आता है। दूसरी बात ये कि अगर खाने में यूज में लेते हैं तो कब्ज और पाचन संबंधी समस्या होती है उसको भी वो, अगर हम उसको चेहरे पे लगाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं तो चेहरे का रूखापन होता है वो दूर करता है। हालांकि रूखापन लाता है लेकिन उसको अकेले इस्तेमाल नहीं करना है आपको। मैं आज आपको इस चीज का कुछ प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगी, जो मेरे वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने किस प्रकार से इसका प्रैक्टिकल किया है। और अगर आप समर में इस्तेमाल करते हैं रात को सोने से पहले, तो आप पतंजलि का जेल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जितना ज्यादा अच्छा रहेगा जितना ज्यादा आप इसका जेल निकाल करके फ्रिज में रखें, सिंपल जेल निकाल करके, और उसको नारियल तेल के साथ में इस्तेमाल करें, तो इससे आपकी चमक बढ़ी रहेगी, इससे आपका चेहरा, चेहरे का रूखापन दूर होगा और जो झुर्रियां या दाग धब्बे होते हैं वो भी दूर होंगे। और मेरी एक सबसे अच्छी एडवाइस है कि इसका खाने में इस्तेमाल जरूर करें। यदि आपके पायल से संबंधित समस्या है या पेट की कोई गर्मी है या प्रेगनेंसी टाइम है तो इस्तेमाल नहीं करना है, अदरवाइज आप नियमित रूप से ना करें तो वीक में 3 या 4 बार आप इस्तेमाल करें इसका। जैसे आपने जेल बनाया है, जेल को, या जेल भी नहीं बनाते हैं तो गूदे को निकाल करके आप एक एक स्लाइस के जितना गूदा खाएंगे और उस पे गर्म पानी पियेंगे, तो आपके जो बॉडी के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, पाचन संबंधी समस्या दूर होती है, और दूसरा आप किसी की कब्ज होती है तो वो भी समस्या दूर होती है। ये मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, मेरे बहुत सारी समस्याएं थी जिसको मैं 10 साल से काम में ले रही हूँ। मैंने खाया भी है इसको और खाती भी हूँ। जहां मुझे समस्या लगती है वहां मैं स्टॉप करती हूँ, किसी भी चीज को निरंतर नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा उसमें गैप देना चाहिए और फिर उसके बाद में वापस से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन आपको चेहरे पे आप कंटिन्यू वीक में 4-5 बार आप इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा रहता है। और आपको कहीं पे भी अगर किसी भी स्तर प्रकार की समस्या होती है तो आपको डॉक्टर्स के पास में जाने की जरूरत ही नहीं है। घरेलू उपचार, नींबू लें थोड़ा सा, उसको आपको इसमें निचोड़ना है, बाउल में निचोड़ने के पश्चात उसे आपको अपने चेहरे को क्लीन करना है। यदि आपकी स्किन ड्राई है तो आपको नींबू का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सिंपल कॉटन को भिगो करके उससे आपके अपने चेहरे को क्लीन करेंगे।
जो चीज आप फेस पे लगाते हैं वो आप नेक पे भी लगाएं। यदि आपकी स्किन ड्राई है, रूखापन है, तो आप सिंपल कॉटन को पानी में भिगो करके उससे अपने चेहरे को पहले क्लीन करें, फिर इसके पश्चात में अपन एलोवेरा का उपयोग करेंगे। ज्यादा से ज्यादा इसको 2 या 3 मिनट, यानी कि जब तक ड्राई होए तब तक ही रखना है। आप इसका इस्तेमाल नींबू और एलोवेरा का इस्तेमाल आप अंडरआर्म्स पे भी कर सकते हैं, जिससे उसका कालापन दूर होता है और जो अनचाही स्मेल होती है पसीने की, यह वो भी गायब होती है। इसका जो गुदा होता है इस पर थोड़ी सी अंगुलियों को यूं चुभा के और फिर अपने फेस पे अप्लाई कर। सबसे बेस्ट है, ये मेरा एक पर्सनल अनुभव है जो मैंने आपके साथ में शेयर करना बहुत जरूरी समझा, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही कोई समस्याओं से मैं गुजरी हूँ, जिसका मैंने डॉक्टर्स की बहुत सारी दवाइयाँ ली हैं स्किन के लिए और जो मेरे लिए कारगर नहीं सिद्ध हुई, और मैंने लास्ट में घरेलू उपचार किए और वही आज अपना रही हूँ। किसी भी प्रकार का कोई फेस वॉश यूज नहीं कर रही हूँ, किसी भी प्रकार का कोई सौंदर्य प्रसाधन बाहर का नहीं यूज कर रही हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ घरेलू उपचार ही, सिर्फ और सिर्फ ये एलोवेरा ही यूज कर रहे हैं, या डेड स्किन को हटाने के लिए भी बहुत सारे घरेलू नुस्खे होते हैं, तो आप अपने मतलब स्किन को ग्लोइंग करने के लिए खाने में या घरेलू उपचार करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, डॉक्टर्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। एक और चीज आ रही है आजकल, क्योर स्किन। क्योर स्किन कुछ नहीं है, सिर्फ एक केमिकल है, सिर्फ एक केमिकल है जो आप जब तक यूज करेंगे तब तक आपकी स्किन शाइन करेगी, उसके पश्चात नहीं करेगी। ये एकदम से सत्य है, आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है किसी भी क्रीम के चक्कर में, और आपको एलोवेरा का इस्तेमाल नियमित रूप से करना है, जिससे आपकी स्किन की समस्या होती है वो दूर हो, और जो आपकी पेट संबंधी समस्याएं होती हैं वो भी दूर होंगी, और खाने से आपके चेहरे का निखार दुगुना होगा।